तो बेसिकली आज की हमारी जो डे सेवन की क्लास है, इस डे सेवन में हम बात कर रहे हैं सम इफ एंड डेटा समराइजेशन फॉर्मूले के ऊपर। जैसे कि आपके सामने डेटा दिख रहा है, मुझे इसमें से मान लीजिए कि पूजा का टोटल करना है। किसका टोटल करना है? पूजा का टोटल करना है। पर प्रॉब्लम ये है कि कैसे करें, क्योंकि आपके पास तो सम का फॉर्मूला होता है जो कि ओवरऑल डेटा को सम करता है, राइट? लेकिन मुझे जी सिर्फ पूजा का टोटल चाहिए, तो इसके लिए लगाते हैं फॉर्मूला हम सम इफ का। सम विथ कंडीशन, सम विथ मतलब सम विथ कंडीशंस। और इसमें हम सेलेक्ट करते हैं अपने रेंज। क्या है रेंज? रेंज हमारा हो गया ए, जिसमें पूजा को मैच करना है। फिर सेलेक्ट करते जी हैं क्राइटेरिया, मतलब क्या मैच करना है, तो पूजा मैच करना है। तो किसको सम करना है? तो हमने बोला सम करना है सेल्स को। ये देखिए 551 आ गया। अब मान लीजिए मुझे इसी में अगर ओम का टोटल करना है, तो भी हम सेम इसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। सम इफ, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे रेंज, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे अपना क्राइटेरिया, मतलब कि किसको सम किसको ढूंढना है और किस कॉलम का सम करना है। सिंपल सा तरीका है, समझ में आ रहा है आपको? अब जी इसमें भी कुछ जी चीजें होती है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ग्रेटर देन 50 का टोटल कितना होगा। वैसे मान लीजिए कि मुझे ग्रेटर देन 50 जितने भी क्वांटिटी सेल हुई है, उन पे 10 रुपए का पर क्वांटिटी हमें ठीक इंसेंटिव देना है, तो ओवरऑल कितना इंसेंटिव देना पड़ेगा? जो ग्रेटर देन 50 वाले सेल्स है उसका टोटल यहाँ आ जाए। तो यहाँ पे जी सम इफ का फॉर्मूला ही लगेगा, और यहाँ हम सेल्स को लेंगे और यहाँ 50 सेलेक्ट कर लेंगे। तो ग्रेटर देन 50, सिर्फ 50 वाले का ही टोटल करेगा। हमने बोला ग्रेटर देन 50, तो 50 से ज्यादा जी वाले को टोटल करके दे दिया। अगर मान लीजिए आपके यहाँ 50 लिखा है, तब क्या करेंगे? तब कुछ नहीं करना है, यहां अपने फॉर्मूले के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा के कॉनकेट कर देंगे, एन परसेंट की साइन से। ये आपके सामने आ गया सर, जी ये बराबर है ओके? इसमें। तो आप इसमें जी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं आसानी से, एंड नॉट इक्वल टू का भी सही लगा सभी सकते। में एक ही लगेगा, सम इफ लगेगा ना, इक्वल टू सम इफ हाँ, मतलब एक लगेगा। सम इफ के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है ना, इस तरह से लगा सकते हैं, राइट सर? अब देखिए, ये कहीं पे जी ओम है और मेरे डेटा पे कहीं पे ओम प्रकाश है, राइट? कहीं पे ओम है और कहीं पे ओम प्रकाश है। अब प्रॉब्लम है कि जहां ओम है, प्रॉब्लम है कि मैं जहां टोटल कर रहा हूं, जैसे यहां पे देखिए तो सिर्फ ओम ही दिख रहा है ना, ओम का ही टोटल आ रहा है, ओम प्रकाश का टोटल तो नहीं आना आ रहा है सर। तो नहीं, ओम पे आ रहा यहां पे आपको क्या करना है, ओम के आगे पीछे जैसे वी लुकअप आपने किया था, दोनों तरफ लगा दीजिए स्टार, तो ओम और ओम प्रकाश दोनों का टोटल निकाल लें, एक हो जाता है कंटेन। अगर मैंने लिखा ओम तो क्या हो जाएगा? एंड विथ ओम, और फिर हमने लिखा ओम स्टार्ट, हो जाएगा स्टार्ट विथ ओम, राइट सर? क्लियर है? अब जैसे देखिए मेरे सिटी में जीजीएन है, राइट? जी अब प्रॉब्लम है कि एक कोड है, मतलब कि एक लोकेशन पे सेल की गई है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल टू ऑनलाइन पोर्टल सेल हुआ है मान लीजिए, मतलब कि इसमें कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, इसलिए एक 3 डिजिट का ओके कोड मिल जाता है हमें, जैसे MJGN, MUZ, दिख रहा है ना सर? जी अब एक कोड कई तरह के होते हैं और कितने भी हो सकते हैं आइडिया नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि वो 3 डिजिट के ही होते हैं। और मैं देख रहा हूं कि मेरा बाकी कोई सिटी 3 डिजिट का नहीं है, तो यहां हम जस्ट तीन जी बार क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इक्वल करेंगे सम इफ, और सेलेक्ट करेंगे इसको, इसको सेलेक्ट करेंगे और अपनी क्राइटेरिया को सेलेक्ट, इसको सम रेंज को सेलेक्ट करके एंटर मारेंगे। तो 905 आ गया। तो 905 में क्या किया इसने? बोला कि सिटी वाले कॉलन में जो भी 3 डिजिट के हैं उनका टोटल कर दिया। ओके क्लियर है? इस डाउट इसमें कोई? ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया।
अब इसमें क्वेश्चन, इसमें अब आती है बारी कि मेरे पास अगर नेम है और मेरे पास सिटी है, ठीक है, तो मान लीजिए नेम हमारा देव हो गया, सिटी हमारा मान लीजिए जिजियनी है, और सेल्स जो मिला है वो ग्रेटर देन 50 है। अब मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है। अब यहाँ पे तो कई सारे कंडीशन हो गए ना सर, क्या जी बोल रहे सर, कई सारे कंडीशन हो गए, तीन कंडीशन हो गया ना जी सर। तो अब एक जी सम इफ का फॉर्मूला सिर्फ एक कंडीशन को ही लेता है, एक से ज्यादा कंडीशन को नहीं लेता है। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ्स का, किसका लगाएंगे, सम इफ्स का। इसका अब इसमें हम लगाएंगे इसका फॉर्मूला सम रेंज, इसका थोड़ा अलग होता है कि पहले आपको देना होगा सम रेंज कि आखिर सम किसका करना है, फिर क्राइटेरिया वन रेंज, फिर पहली क्राइटेरिया, फिर क्राइटेरिया टू रेंज एंड फिर दूसरी क्राइटेरिया, फिर क्राइटेरिया तीसरा, और फिर यहाँ पे तीन क्राइटेरिया, एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ गया। ठीक है सर। जी ये और फॉलो जाएगा इसका। सम इफ्स के अंदर भी सारे चीज अप्लाई कर सकते ठीक हैं। सम इफ और सम इफ्स आ गया समझ में। जी समझ रहे हैं। अब इसमें आगे बढ़ते ओके हैं कि हमारे पास काउंट के भी फॉर्मूले होते हैं। जैसे काउंट फॉर्मूला सिर्फ नंबर को काउंट करता है, राइट? फिर काउंट ए फॉर्मूला जो कि नंबर और टेक्स्ट दोनों का काउंट करता है, ब्लैंक छोड़ के, दोनों ब्लैंक जी यूज नहीं करते हैं, ब्लैंक छोड़ के सेल के अंदर में नंबर या टेक्स्ट, नंबर है तो आपका ये काउंट करेगा, टेक्स्ट को नहीं करता, सिर्फ नंबर को करता है, और ये नंबर टेक्स्ट दोनों को करता है। फिर फॉर्मूला आता है काउंट ब्लैंक का, जो कि सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है, किसको काउंट करता है, सिर्फ ब्लैंक, तो ये हमारा सिर्फ ब्लैंक को ही काउंट करता है, काउंट ब्लैंक फॉर्मूला। क्लियर है? जी बट मुझे मान लीजिए पता करना है कि पूजा कितना बार है, तो इसके लिए हम लगाएंगे काउंट इफ का। काउंट इफ में अपना रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए और क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लीजिए किसको काउंट करना है। इसमें भी ये आपका जो जो है, जैसे मान लीजिए मुझे ओम का करना है तो ओम लिख दिया यहाँ पे, ओम और ए दे दिया। तो ये जो सम इफ में जो चीजें हम लगाते हैं वो हम यहाँ काउंट इफ के अंदर भी लगा सकते हैं, राइट सर? काउंट जी इफ इसको सेलेक्ट कर लिया। पर प्रॉब्लम है कि जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो तब क्या करेंगे, तब हम यह लगाएंगे फॉर्मूला काउंट इफ्स का, आईएफएस। इसमें क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया क्राइटेरिया टू रेंज, दूसरा क्राइटेरिया सेलेक्ट कीजिए, फिर तीसरा क्राइटेरिया रेंज, और यहाँ पे तीसरा क्राइटेरिया सेलेक्ट कीजिए। ओके ठीक एक छूट गया था, एंटर मारिए रिजल्ट आ जाए। इसका फॉर्मूला है काउंट इफ्स का। और सम जैसे हमने ओके लगाया, सम के तरह हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला होता है जो कि एवरेज निकाल के देता है। एवरेज एवरेज ये दोनों एक ही होता है, एवरेज ये ट्रू फॉल्स ये लेता है, ट्रू फॉल्स को कंसिडर करता है, एवरेज नहीं करता है। लेकिन मान लीजिए मुझे यहाँ पे पूजा का एवरेज निकालना है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, जस्ट एवरेज इफ, क्या लगाएंगे, एवरेज इफ। यहाँ पे क्राइटेरिया बिल्कुल सम इफ की तरह, जैसे सम इफ आपने यूज किए थे, और एवरेज इफ में भी ये सारा कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपने सम इफ में किया है। बट मल्टीपल कंडीशंस होगा तो उस केस में क्या करेंगे, एवरेज एवरेज इफ्स। इसमें बिल्कुल सम इफ्स की तरह के, एवरेज रेंज क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया टू रेंज, क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया थ्री रेंज, क्राइटेरिया थ्री, बिल्कुल सम इफ्स की तरह। आपने जो आप जो सिलेक्शन कर रहे हो अभी
एवरेज एक करके जो कोष्टक में जो सिलेक्शन कर रहा हूँ, ये पूरी पूरी फाइल है ना, मतलब ये नेम सिटी पूरा जो भी हाँ हाँ वन बाय हमको वन ए सेलेक्ट बी कर रहा हूँ, सी। जैसे सी कॉलम सेलेक्ट किया, फिर ए कॉलम, फिर क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, फिर बी कॉलम, फिर क्राइटेरिया, फिर सी कॉलम, फिर क्राइटेरिया। इसका पूरा एवरेज आ गया मींस ना, एवरेज आ गया इसमें हाँ पूरा टोटल इसका इसको सिलेक्ट एवरेज आ करने गया कि जो पर। सिक्स है ना, जो सिक्स जो काउंट आया है, जिसका टोटल 433 है, इसका काउंट है। सिक्स को 433 को सिक्स से डिवाइड करिए तो आ जाएगा रिजल्ट आपका 72। फिर हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है मैक्स जो कि मैक्सिमम नंबर, और जो मिन होता है वो क्या निकालता है, मिनिमम नंबर। ओके तो यहाँ हम जो है मैक्स इफ भी निकाल सकते हैं। मैं पूछा कि मैक्स, ये तो हो गया आपका एबीजी एवरेज, ये हो गया आपका, मुझे मैक्स निकालना है, किसका, पूजा का। तो इक्वल मैक्स इफ्स का फॉर्मूला है, इसमें हम बिल्कुल सम इफ की तरह कि मैक्स रेंज क्राइटेरिया वन रेंज एंड क्राइटेरिया, जिस हमने यहाँ पे सम इफ्स निकाला, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एवरेज इफ निकाला, ऐसे आपका यहाँ पे मैक्स इफ होता है। उसी तरह से यहाँ पे आता है मिन, जिसको हम कहते हैं मिन इफ्स, मतलब छोटा निकालता है किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे। तो हमने यहाँ पे अब मीन रेंज ले लिया, क्राइटेरिया वन रेंज क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया टू है तो क्राइटेरिया टू थ्री, इसी तरह से लगा सकते हैं, जैसे आपने सम इफ्स और एवरेज इफ्स को यूज किया है। समझ गए। जी चलिए अब थोड़ा सा और फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। अब मैं इसको यहाँ से सारे को डिलीट करता हूँ। अब जैसे कि मैक्स का फॉर्मूला, तो मैक्सिमम नंबर निकाल के देता है ना, इसमें मैक्सिमम नंबर कितना है। लेकिन मान लीजिए कि मुझे टॉप फाइव चाहिए, 1 2 3 4 5, मतलब कि पहला मैक्स 90 आया, उससे छोटा क्या है, उससे छोटा क्या है, उससे छोटा क्या है, उससे छोटा क्या है, तो उसके लिए क्या निकालेंगे, मैं उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला लार्ज का, किसका, लार्ज। लार्ज लार्ज हमने सेलेक्ट किया इसको और नंबर दे दिया तो 90 आया। अब नीचे तक ड्रैग करेंगे तो सब में 90 आया, 90 90, क्योंकि 90 तीन बार आया इसलिए 90 आया, 89 87, अगर मान लीजिए 95 करते हैं आ गया, 99 करते हैं, 105 करते हैं, दिख रहे हैं सर, ओके सबसे बड़ा 105 है, उससे छोटा 99, उससे छोटा 95, उससे छोटा 90, उससे छोटा भी 90 ही है। और जैसे हमने लार्ज निकाला, ऐसे हमारे पास फॉर्मूला होता है स्मॉल का, हम स्मॉल भी ऐसे निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, इसको सेलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, दिख रहा है सर। जी सर, ठीक तो ये आपका छोटा 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 उससे छोटा निकल गया, ये क्या था हमारा लार्ज का। अब चलिए कुछ और लार्ज फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जी। अब जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए सब टोटल का, सब टोटल। अब सब टोटल मतलब जैसे कि आपने यहाँ पे कर दिया टोटल, और जनरली तो आप सम करते हैं ना, तो सम जी आपने लगा कम दिया, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आ गया, आपने इसको बोल्ड भी कर करेंगे। दिया। पर प्रॉब्लम कब होगी, जब लगाएंगे आप फिल्टर, जैसे मैंने यहाँ लिया पूजा, यहाँ पे मान लीजिए अजीत को सेलेक्ट किया, तो यहाँ अजीत का टोटल आया, अजीत का डेटा आ गया, बट यहाँ टोटल अजीत का नहीं है, टोटल ओवरऑल दिखा रहा है। हाँ तो मुझे जी ऐसा चाहिए कि टोटल जो है अजीत का सर, ही दिखाए, मतलब जो विजुअल उसी को दिखाए। तो यहाँ पे सम ना लगा के सम प्रोडक्ट, सॉरी सब टोटल, माफ कीजिएगा, सब टोटल का इस्तेमाल करेंगे, सब टोटल। और सब इसमें मुझे क्या अजीत चाहिए, मुझे चाहिए सम, सब टोटल में सिर्फ सम ही नहीं, और बाकी चीजें भी कर सकते हैं, बस आपको एरो की से जाइए, सेलेक्ट कीजिए, या जो नंबर दिख रहा है वो नंबर टाइप कर दीजिए, कॉमा, अपना रेफरेंस ले लीजिए। अब जो है अगर मैं यहाँ पे टोटल लगाता हूँ, यहाँ पे आया, मैंने मान लीजिए कि मैंने अजीत लिया एंड ओके किया, तो देखिए 90 आ गया, 390। ये अजीत का ही करा ना, सिर्फ एक का ही करा जी आपने, हाँ अजीत का जी टोटल हाँ, निकालना सर देखिए आपने। अजीत का। अब जो भी विजुअल होगा सिर्फ उसी का टोटल दिखेगा, सब टोटल का यही काम है कि जो भी विजुअल होता है उसी को टोटल देता है, हिडन को टोटल नहीं देता है, ओके समझे। ठीक है, वो लेकिन एक और फॉर्मूला प्रॉब्लम होती है आपने कभी कभी, जैसे मान लीजिए मुझे इसका सम निकालना है, ठीक है,
तो सम बोलेंगे, सम निकालना तो कौन सी बड़ी बात है, सेलेक्ट कीजिए सम फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम होती है कि किसी एक फॉर्मूले में एरर हुआ, जैसे यहाँ एरर आ गया तो रिजल्ट एरर ही आएगा। अच्छा तो इसके लिए आपके क्या पास फॉर्मूला होता है एग्रीगेट का। एग्रीगेट बिल्कुल सब टोटल की तरह ही होता है, आप सब टोटल की जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे नाइन को, ओके यहाँ सॉरी यहाँ पे नाइन को सेलेक्ट किया कॉमा। अब इसमें बुलाया होता है इग्नोर, तो यहाँ पे मैंने कर दिया इग्नोर एरर वैल्यू, और फिर मैंने अपना रेंज सेलेक्ट किया। तो रेंज में जो भी एरर होंगे उसको इग्नोर करके यहाँ शो कर दे। मतलब ये जो ठीक बी है, फोर्थ नंबर का जो एरर है वो हट के उसको टोटल काउंट दे देगा जो जो भी एरर होगा हाँ एरर को स्किप कर देगा, और बीच इसको सब टोटल का एडवांस वर्जन कह सकते हैं कि सब टोटल का ये एडवांस वर्जन। में। अच्छा ठीक है सर, जी अब इसमें एक चीज और आती है, डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला, राइट। चलिए उसके बारे में ओके बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ने सॉरी यहाँ पे नेम है, सिटी है, और सेल्स भी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पूजा, मुझे पूजा का टोटल चाहिए जो ग्रेटर देन 50 है। फिर मैंने बोला ओम का टोटल चाहिए जो कि लेस देन 80 है। फिर मुझे यहाँ जीजीएन का टोटल चाहिए जो कि लेस देन 70 है, और मुझे ग्रेटर ओके देन 85 का सारा टोटल चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं आपके, तो क्या लग रहा है कि आपको एक एक करके सम इफ्स लगाने पड़ेंगे, किस किसी में कम ज्यादा है, किसी में कम है, समझ रहे हैं ना बात को सर? किसी में कोई कोई कंडीशन है, किसी में कोई कंडीशन है। अब मुझे यहाँ पे भी चाहिए कि सारे अजीत का अजीत का ओवरऑल टोटल चाहिए। यहाँ पे टोटल कैसे निकालेंगे इसके लिए? तो टोटल निकालने के लिए हमें लगाना होगा फॉर्मूला डी सम, इसको बोलते हैं डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला। डेटाबेस फॉर्मूला लगाने का एक तरीका है, कोई भी फॉर्मूला लगाइए, एक तरीका। जैसे मैंने डी सम लगाया तो पहले पूछता है डेटा डेटाबेस, अपना डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर बोलता है किस फील्ड का टोटल निकालना है, तो मैंने बोला सेल्स का। फिर बोलता है क्राइटेरिया ओके बताइए, क्या क्राइटेरिया? तो क्राइटेरिया को हेडिंग के साथ सेलेक्ट कर लीजिए, हेडिंग जरूर कीजिएगा। ये देखिए आ गया 2622, मतलब पूजा जो ग्रेटर देन 50 है उसका टोटल लिया, प्लस ओम लेस देन 80 लिया उसका टोटल लिया, प्लस जीजीएन लेस देन 70 का टोटल लिया, प्लस ग्रेटर देन 85 का टोटल, प्लस अजीत का ओवरऑल टोटल जो कि निकला 2652। किसी में काउंट चाहिए तो डी काउंट का फॉर्मूला है कि मुझे टोटल काउंट चाहिए, तो डेटाबेस। बस बिल्कुल एक जैसा ही सिलेक्शन होता है, चाहे जो भी फॉर्मूला इसके अंदर यूज करें एक जैसा ही है, बस रिजल्ट अलग अलग है, लगाने के तरीके बिल्कुल सेम। डी मैक्स सेलेक्ट कीजिए, किसका मैक्सिमम निकालना है? सिटी शहर से निकाल ठीक है, ठीक है। यहाँ पे निकाल का हमने फील्ड नहीं रहा दिया, तो फील्ड को आप ऐसे लिख भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको देना है, सिलेक्ट ही करना है। तो इसी तरह से डी काउंट, डी मैक्स, डी सम, डी गेट पे लगा सकते हैं। ठीक है सर, आप ट्राई कर जी लीजिएगा। अब हम बात ओके करते हैं फाइनेंशियल फॉर्मूले, फाइनेंशियल फॉर्मूला। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एफ डी मतलब कि 50,000 रुपये का मैंने लोन लिया, रेट है मान लीजिए 19%, और टाइम जो है हमारा वो हमारा मान लीजिए 3 साल, समझे? जी तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका? ईएमआई का, क्योंकि मुझे ईएमआई क्रिएट करना है ना, ईएमआई। तो ईएमआई के लिए फॉर्मूला होता है पीएमटी, पीएमटी रेट। अब रेट तो आपका ईयरली है ना सर, तो मुझे इसमें डिवाइड बाई ओके 2
करना होगा ताकि मंथली रेट आ जाए, और टाइम को भी ओके कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई करके। उसके बाद आप पीवी को सेलेक्ट कर लो, आपके सामने आ गया। तो 1832 जो है क्या है? माइनस में 0.80 ईएमआई है ना, ईएमआई है ना माइनस, इसे माइनस में क्यों आ रहा है ये? फाइनेंशियल फॉर्मूला का रिजल्ट हमेशा माइनस में ही आता है, अच्छा ठीक है? माइनस में, ओके माइनस से आएगा, ईएमआई हमेशा माइनस में आएगा ना सर? कोई भी करेंगे माइनस, फाइनेंशियल फॉर्मूला हमेशा माइनस में ही रिजल्ट देता है, माइनस में क्यों देता ये उसका फॉर्मूला क्योंकि कुछ ऐसा मतलब? ये आपके लिए नेगेटिव है ना, आपका पैसा जा रहा है भाई। अच्छा तो माइनस करके दे रहा हूँ, हाँ ओके। माइनस में। अब इसी में हम बात करते हैं कि इस बार जो है 50,000 रुपये हमारे लोन नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट है, समझ गए? मतलब कि हम 50,000 रुपये चाहते हैं तो हम रेकरिंग अकाउंट पे कितना ईएमआई जमा करें जो 7% ईयरली इंटरेस्ट के साथ 3 सालों में मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे सेम पीएमटी का फॉर्मूला लगाया, जिसमें रेट रेट को मैंने डिवाइड किया 12 से, टाइम टाइम को मल्टीप्लाई किया अगेन 12 से, फिर हमने पीवी जो प्रेजेंट वैल्यू था उसको सेलेक्ट किया। नहीं, प्रेजेंट वैल्यू तो ब्लैंक होगा ना, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू तो है ही नहीं, ए बी है ना, ये फ्यूचर में मिलने वाला है ना। नहीं, अभी तो मिला नहीं है ना, लोन में तो पैसा में मिल जाता है, ये हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो इसलिए हमें लेना एफ बी सिलेक्ट करना हो। तो ये आया कि आप 1,252 रुपये मंथली जमा करते हैं तो 3 सालों में 50,000 रुपये मिल जाएगा। अच्छा ठीक अब है, बात ये करते हैं कि मैंने होता मैं इस बार जो है FD करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? FD, एफडी नहीं डिपॉजिट, ठीक है। ठीक है ना, FD करने वाला हूँ 50,000 रुपये, और 7% से 3 साल बाद कितना पैसा है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला FD का फ्यूचर वैल्यू। हम रेट रेट लेंगे डिवाइड बाय 12, ओके और यहाँ पे सेम टाइम को मल्टीप्लाई किया 12 से, और पीएमटी नहीं है हमारे पास, पीवी है, जो कि 50,000 रुपये अभी हम दे रहे हैं, तो 61,000 रुपये है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं इसका ईएमआई जो प्रिंसिपल नहीं है, ये हमारा ईएमआई है, मतलब 2,000 रुपये मंथली जमा करने वाले हैं हम, तो कितना महीने कितना पैसा आएगा, तो इसके लिए भी लगाएंगे हम फ्यूचर वैल्यू एफपी का। रेट डिवाइड बाय 12, टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, और पीएमटी हमारा 2,000, समझ गए? सर इसके अंदर ये 6 मंथ, ये तुमको मतलब 6 महीने में अगर करना हो तो सबमिट, तो उसके 6 का इंटू दो करना से पड़ेगा तो उसमें, 6 से कर दीजिए, जैसे मंथली करना है तो ठीक 12 से, क्वार्टरली करना है तो 4 से, हाफ ईयरली 2 है। से, ईयरली 1 से, और ठीक है, हाँ जो भी चाहिए समझे? उससे मैं जी, ठीक है क्लियर है? जी सर। छोड़ दीजिए, 6 का डिजाइन। अब बात करते हैं कि मैं कितना पैसा जमा करूं ताकि फ्यूचर में मुझे इस रेट पे मुझे मान लीजिए 50,000 मिल जाए, राइट सर? तो उसके लगाएंगे फॉर्मूला पीवी, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू। तो रेट वही है 7%, टाइम 3 साल है, और हमारा पीएमटी नहीं है, हमारा फ्यूचर वैल्यू 50,000। तो चालीस हजार ओके रुपये हम लगाते हैं तो 50,000 मिल जाए, राइट सर? ठीक है सर ऐसे जी, फाइनेंशियल फॉर्मूला का इस्तेमाल आप, आपके लिए ठीक कुछ है। छोटे मोटे फॉर्मूले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे
मेरे पास क्वांटिटी है और मेरे पास रेट है। मान लीजिए 50 को 10 रुपये के हिसाब से बेचा है, 60 को हम 30 रुपये के हिसाब से बेचे हैं, 40 को हम 12 रुपये के हिसाब से बेचे हैं और 22 को हम 30 के हिसाब से बेचे हैं। इसका टोटल क्या होगा? तो यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉब्लम है कि सम में कैसे होगा, तो इसके लिए हम एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई बाय इसको, एंटर प्रेस करें जी आ जाएगा। या हम सम प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि सम प्रोडक्ट, सम विथ प्रोडक्ट इसका बना हुआ है, इसको सिलेक्ट किए कॉमा इसको सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं कि एरे फॉर्मूला होता क्या है। देखिए एरे फॉर्मूला जो काम आप अलग अलग सेल में करेंगे वो एक्सेल में कर देता है। कैसे? जैसे एक ही फॉर्मूला से कर देता है। जैसे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है सुजीत, राइट? अब मुझे इसको जी हर सेल में एक अलग अलग लेटर चाहिए, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला मिड का, इसको सेलेक्ट करेंगे और देंगे स्टार्ट नंबर वन, नंबर ऑफ कैरेक्टर वन, आ गया। फिर अगेन लगाएंगे फॉर्मूला मिड का, इसको सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट नंबर टू एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर वन। तो ऐसे करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा ना सर। तो यहां जी हम एरे का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, इस वन को कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर देंगे। हो गया सर? अब बोले सर पता नहीं जी कितना डिजिट का है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये जो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सीक्वेंस का, सीक्वेंस फॉर्मूला यही काम करता है कि रो नंबर एक, कॉलम नंबर मैंने दिया 6, स्टार्ट वन से और एक एक का गैप चाहिए। ठीक है सर? जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना 1 से 6 तक लिखा, यही 1 से 6 तक आपको देता है। इसी सीक्वेंस फॉर्मूले को आप मिड के अंदर यूज कर सकते हैं कि मिड इसमें गया और हमने बोला कि सीक्वेंस, हमने बोला रो नंबर एक, कॉलम नंबर हमने बोल दिया कि लेंथ फॉर्मूले से इसकी लेंथ निकाल लो कितना है, हमें नहीं पता, स्टार्ट वन से करो और एक एक का स्टेप लेके चलो और नंबर ऑफ कैरेक्टर वन, एंटर प्रेस किया, अब देखिए। हो गया सर? अब मैं जी जितना जी भी बड़ा नाम लिखूंगा, मैं लिखता हूँ सुजीत और लिखता हूँ कुमार, एंटर प्रेस करूंगा, सुजीत कुमार हो जाएगा। तो एरे का खासियत यही है। अब जैसे एक और खासियत हम एरे की बताते हैं, जैसे मेरे पास कुछ नंबर्स है यहाँ पे, 50 है, 60 है, 80 है एंड 90 है। अब मुझे क्या करना है कि पहले हर नंबर को मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? फिर मुझे सबका 50% निकालना है, ठीक है? उसमें हमें ऐड 100 करना है, फिर उसको ओके डिवाइड बाय 2 करना है और फिर सबको सम करना है। तो आप इसको मल्टी, इतना बड़ा कंडीशन है, इंडिविजुअल करना है सबको, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे आप। जी फिर आप क्या करेंगे, सबका 50% निकालेंगे, सॉरी इसको सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 50%, 50% निकल गया। फिर जी सब में आप 100 ऐड करेंगे, और फिर सबको 2 से डिवाइड करेंगे और फिर सम का सम निकालेंगे, राइट सर? इतना जी लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा? अब देखिए एरे इसको एक ही बार में कर देगा। हमने सम लिया, सम में पूरे को सेलेक्ट किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 60, फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 50%, डिवाइड बाय नहीं प्लस प्लस 100 डिवाइड बाय 2, एंटर प्रेस कीजिए। लेकिन अभी रिजल्ट गलत आ रहा है क्योंकि तो हमने बोर्ड मास मेथड का यूज नहीं किया, मतलब ब्रैकेट्स का। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स के पहले मल्टीप्लाई बाय 60 करो, फिर मल्टीप्लाई बाय 50 करो, फिर मल्टीप्लाई बाय प्लस 100 देन डिवाइड बाय 2। अब आ गया सर रिजल्ट 4 फॉर 5।
अब सोचिए इसी काम को आप इतना करते थे, यहीं पे आपका एक सिंपल आ गया। इसको बोलते हैं एरे कंसेप्ट, कि जो इनपुट आप अलग अलग सेल में वही इनपुट आप इकट्ठा यहाँ दे दीजिए। अब चलिए इसकी एक और एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, ठीक है सर। जी जैसे मेरे पास यहाँ नेम है पूजा, नेम नेम में दिया हमने पूजा, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया सर। जी अब इसके आगे मेरे पास कुछ सेल्स लिखे, अब मुझे यहाँ यहाँ पे पूजा प्लस रवि प्लस ओम का टोटल निकालना, समझे। ओके तो इसके एक साथ जी के आपको तीन अलग अलग समीफ लगा के फिर तीनों का प्लस करना पड़ेगा ना सर। जी यहाँ पे आप लिखेंगे सम और इफ को अलग अलग कर दीजिए, और इसको सेलेक्ट करके बोलिए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में पूजा कॉमा रवि कॉमा ओम, समझे। और यहाँ पे दे दीजिए अपना रिजल्ट, एंटर प्रेस कीजिए, आपके सामने 207 आ गया। तो एरे फॉर्मूला इस तरह से हम इकट्ठा दे देते हैं, राइट सर। जी तो ये हमारा एरे फॉर्मूला का चैप्टर था। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है खत्म, राइट। लेकिन फॉर्मूले के बाद भी थोड़ी बहुत चीजें हैं जो कि मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि डेटा कनेक्टिविटी, मतलब किसी और एक्सेल फाइल से डेटा को लाना चाहते हैं तो यहाँ गेट डेटा से ला सकते हैं, जैसे कि फ्रॉम फाइल या जो सीएसवी है, जनसन है, पीडीएफ है, सब यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक्सेल से करके दिखाता हूँ आपको, एक्सेल में गया। अब मान लीजिए मैं कोई भी एक फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे पिवट टेबल का फोर का ले लिया, इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट करने के साथ मुझे यहाँ पे बोलेगा कौन सा फाइल चाहिए, जी तो मैंने बोला डेटा चाहिए, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लोड कर दीजिए। ये डेटा आपका यहाँ पे लोड हो जाएगा, आ गया लोड से डेटा, आ जाएगा भी आ गया। ये किसी और जी फाइल में डेटा है और चला आया हमारे इस फाइल में। अब मान लीजिए मेरे एक फोल्डर में बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, तो यहाँ फ्रॉम फाइल में फ्रॉम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, आप लोकेशन पे जाएंगे, दो हजार इक्कीस के अंदर डेटा के अंदर ओपन, इस डेटा में दिख रहा है इतने सारे फाइल्स हैं। अगर मैं जस्ट लोड कर दूं तो जो दिख रहा है वही लोड होगा, मुझे इसके अंदर की सारे फाइलें चाहिए, सारे फाइल का डेटा चाहिए एक के नीचे एक के नीचे। तो यहाँ आप कंबाइन एंड लोड पे क्लिक कीजिए, कंबाइन एंड ओके लोड। अब यहाँ पे जैसे ओपन होगा सारे फाइलों का लिस्ट आ जाएगा, देखिए। अब यहां से देखिए सारे फाइलों की लिस्ट आ गया, कोई एक फाइल सेलेक्ट करके उसकी सीट को सेलेक्ट कर लीजिए और आप कर दीजिए ओके। अब देखिएगा सारे फाइलों का डेटा यहाँ एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे आ जाएगा, मतलब आपको एक एक करके कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इकट्ठा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जी दूसरी फाइल पर आ गए, ये देखिए ए वन फाइल, टू फाइल, थ्री फाइल, इस तरह से फाइल का नेम है। तो डेटा कनेक्टिविटी ओके आप इससे कर सकते हैं। उसके डेटा बाद आता है कनेक्टिविटी आपका टेक्स्ट टू कॉलन, टेक्स्ट टू कॉलन का काम होता है जैसे कि सुजीत और कुमार हमने यहाँ लिखा हुआ है और सिंह लिखा हुआ है, इन तीनों को अलग अलग करना चाहते हैं, तो इसको आप टेक्स्ट टू कॉलन से कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीमिटर नेक्स्ट, आप स्पेस ले लीजिए क्योंकि स्पेस के अकॉर्डिंग करना है, नेक्स्ट एंड फिनिश, राइट सर। अब मान जी लीजिए कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे नेम दे रखे हैं और नेम हमारा जो है रिपीटेड है कई बार, मुझे इसको यूनिक रेट चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आता है रिमूव डुप्लीकेट,
सारे इसको डुप्लीकेट कर देगा यहाँ से। फिर आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अमाउंट जो डेसिमल में ना हो, राइट, होल नंबर, तो सेलेक्ट कीजिए, डेटा वैलिडेशन में जाइए, यहाँ पे लिस्ट पे आइए, लिस्ट नहीं माफ कीजिएगा, होल नंबर, होल नंबर, और यहाँ पे आप दे दीजिए कि ग्रेटर देन जीरो या जो भी कंडीशन देना है दे दीजिए। मैंने मैंने यहाँ दे दिया ग्रेटर देन जीरो, ओके। अब यहाँ पे जब भी हम कोई नंबर लिखेंगे तो ले लेगा, लेकिन जैसे कोई डेसिमल लिखें एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे मान लीजिए सिटी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे सिलेक्टेड सिटी ही ले, या नेम मान लीजिए कि नेम है, और नेम मान लीजिए ये नेम लिस्ट है वही लेना है, तो आप इसको एरिया सेलेक्ट करके यहाँ डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे लिस्ट, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना क्या क्या आ सकता है, एंड ओके कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया लिस्ट, इस तरह से इसके लिस्ट को आप ला सकते हैं, राइट सर। जी तो आज जो है यहाँ पे हमारी एक्सेल खत्म होती है, राइट, ये फाइल और आज की रिकॉर्डिंग हम आपको भेज देते हैं।